एवरीवन, वेलकम बैक टू मार फास्ट किचन। आज मैं एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है और आप सबकी फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कबाब, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो अगर आपको शाही चिकन कबाब की बहुत ही इजी रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन ले लिया है। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। अब मैं चिकन को डालूँगी मिक्सर ग्राइंडर में और बहुत ही हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। हमें ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, रफली ग्राइंड करना है। अब चिकन को रफली ग्राइंड करने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ एक फुल अनियन लिया है हाफ के जी चिकन के लिए, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च। अब सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और लास्टली नमक स्वाद अनुसार। और लास्टली मैं ऐड करूंगी एक अंडा और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी। अब चिकन में सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बेसन का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन के आटे के बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। और अब मैं चिकन में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लूँगी। और अब हम 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को ढक कर रख देंगे ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब आप देख सकते हो हमारा शाही कबाब बनने के लिए चिकन रेडी है। तो उसे शेप देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और फिर मैं चिकन को गोल शेप दे दूँगी। हाथों पर ऑयल लगाने से आपका चिकन का बैटर हाथों पर स्टिक नहीं होगा। और मैं कबाब बनाने के लिए चिकन का बैटर मीडियम क्वांटिटी में ले रही हूँ ताकि कबाब ना ही ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे बने। और अब आप देख सकते हो हमारा शाही चिकन कबाब ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसे फ्राई करना बाकी है। तो चलिए हम शाही चिकन कबाब को फ्राई करने की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने का वेट करूँगी। अब मैं ऑयल के गरम होने के बाद एक एक करके सारे चिकन कबाब पीसेस को फ्राई कर लूँगी। और अगर आपको चिकन शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमें चिकन कबाब के पीसेस को एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके बाद इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से फ्राई करना है। अब आप देख सकते हो मैं यही सेम प्रोसेस सारे चिकन कबाब के लिए रिपीट कर रही हूँ। एंड हमारा शाही चिकन कबाब फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। एंड हमारा शाही चिकन कबाब रेडी हो चुका है। मैंने इसे अनियन, ग्रीन चिली, लेमन और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। चिकन शाही कबाब की ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी थी। एंड आप देख सकते हो हमारा चिकन शाही कबाब बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।